नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डीजल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ जो जनरल बातें हैं उनका डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कई गाड़ियों के पीछे सर्टेन बैजेस या लोगोज़ लगे हुए रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर आप हुंडई की गाड़ियां देखें तो उसमें कई जो वर्जन्स हैं, जैसे कि क्रेटा है, उसमें पीछे CRDI लिखा रहता है, ठीक है। अगर मैं महिंद्रा थार की बात करूं तो उसके पीछे या साइड में अगर आप देखेंगे तो CRDE लिखा रहता है। कई वोक्सवैगन की जो गाड़ियां हैं उसमें TDI लिखा रहता है। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि ये जो सारे बैचेस हैं या ये सारे जो लोगोज हैं उनका क्या मतलब होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम यही चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और उम्मीद है आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वो जो बैजेस हैं या वो जो लोगोज़ हैं उनका मतलब जो है काफ़ी हद तक समझ में आने लगेगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इस तरीके से आपको चीज़ें समझाऊं कि जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अच्छे से इस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। तो आज हम डीजल गाड़ियों से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, लोगों पे जाने से पहले या वो टर्म्स बैजेस वगैरह जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी पड़ेगी। उनमें से एक टेक्नोलॉजी कौन सी है, आपका CRDI टेक्नोलॉजी है, ठीक है। CRDI टेक्नोलॉजी देखिए ये क्या है, एक इंजन का टाइप है, डीजल इंजन का एक टाइप है ये CRDI। इसका क्या मतलब होता है, अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं CRDI की, तो ये होता है आपका बेसिकली कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, ठीक है। CRDI के फुल फॉर्म क्या हो गई, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी तब ये टेक्नोलॉजी आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म होती है डायरेक्ट इंजेक्शन और दूसरी है ये टर्म कॉमन रेल, इसको मिला के इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया, ठीक। तो सबसे पहले डायरेक्ट इंजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डीजल इंजन की वर्किंग समझनी होगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इंजन के सिलेंडर की बात करूं, ये इंजन का सिलेंडर है जहां पे डीजल भेज दिया जाता है और उसको बर्न कराया जाता है ताकि एनर्जी मिल सके, ठीक। तो डीजल इंजन में क्या होता है यार, सबसे पहले तो ये उसका मान लीजिए पिस्टन है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्व्स लगे हुए हैं आपके, इस तरीके से वॉल्व लगे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हवा एंटर कराई जाती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हवा, एयर जो है वो इस सिलेंडर के अंदर एंटर कराई जाएगी और ये जो पिस्टन है उसको पूरी की पूरी तरीके से क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। मतलब आपको पता है यार, आप इमेजिन कर सकते हो अगर ये पिस्टन जो है वो ऊपर मूव कर रहा है और ये जो गेट हैं, ये वॉल्व जो हैं वो हमने बंद कर दिए, तो यहाँ पे जितनी भी हवा है वो दबती चली जाएगी, जिसको हम कंप्रेस होना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये हवा पूरी तरीके से कंप्रेस हो जाती है, कंप्रेस होगी तो साथ साथ इसका जो तापमान है वो भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। और जब ये पूरी तरीके से दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है, उसके बाद हम डीजल को यहाँ पे क्या कराते हैं, इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है। डीजल को यहाँ पे इंजेक्ट कराया जाता है, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई। अब भाई इस हवा का जो तापमान है वो इतना ज़्यादा है कि जैसे ही डीजल यहाँ पे आता है वो जलने लगता है, उसका कंबशन होने लगता है। जलने लगता है का क्या मतलब है, उसका कंबशन होने लगता है, ठीक। अब एक चीज़ सोचो यार, जब यहाँ पे ये जो हवा है वो पूरी तरीके से कंप्रेस हो जाती है तो उसका खुद का प्रेशर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जो डीजल आपने इंजेक्ट कराया है उसको एक बहुत हाई प्रेशर का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा अंदर आने के लिए। तो आपको ये जो डीजल इसमें भेजा जा रहा है वो भी बहुत हाई प्रेशर पे अंदर भेजना पड़ेगा, तभी तो अंदर का प्रेशर वो झेल पाएगा ना। ये इतना अंदर प्रेशर है कि कोई चीज़ बाहर से अंदर आ ही नहीं सकती। तो अब इस डीजल जो अंदर आ रहा है उसका प्रेशर अंदर के प्रेशर से ज़्यादा होगा, तभी कोई चीज़ अंदर आ पाएगी। ये तो आप आराम से यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं,
ठीक, इतना समझ में आने के बाद अब आता हूं मैं डायरेक्ट इंजेक्शन पे। डायरेक्ट इंजेक्शन का क्या मतलब है, जब हम इस सिलेंडर के अंदर डायरेक्टली डीजल को भेजते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलता है, उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट इंजेक्शन बोला जाता है। पहले की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या होता था, ये जो हमारा सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में जाने से पहले डीजल को एक अलग चेंबर में भेजा जाता था, ठीक है, पहले एक अलग चेंबर में भेजा जाता था जहाँ पे हवा यानी कि एयर और इस डीजल का मिक्सचर तैयार होता था और वो फिर सिलेंडर के अंदर आता था, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इंजेक्शन, इनडायरेक्ट इंजेक्शन। पर अब हमने ये चेंबर क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है, अब सीधा का सीधा जो हमारा डीजल है वो किस में एंटर करता है, इस सिलेंडर में एंटर करता है, कोई अलग से हमने चेंबर नहीं बनाया यहाँ पे, इसको बोला जाता है डायरेक्ट इंजेक्शन। अब कॉमन रेल का क्या मतलब है, ये समझने के लिए आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा, यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन का मतलब समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या है, सिलेंडर है एक, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, ठीक, एक सिलेंडर में कहाँ मान लेता हूँ, यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है, दो सिलेंडर हैं इंजन के अंदर, कितने हैं, दो सिलेंडर है, चार सिलेंडर, छह सिलेंडर भी होते हैं, पर अभी दो सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक। तो हमारा जो डीजल है वो यहाँ पे स्टोर है, ये डीजल का टैंक है, ठीक, टैंक से ये कहाँ पे जाएगा, डीजल जो है हमारा इस फिल्टर में जाएगा, और फिल्टर में जाने के बाद वो एक पंप में जाएगा, जो कि पंप का काम क्या होता है, एक तो प्रेशर बढ़ा देता है वो, ठीक है, प्रेशर को काफ़ी ज़्यादा क्या कर देता है, बढ़ा देता है पंप जो होता है हमारा, वो इस कॉमन रेल, ये है वो चीज़ जिसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या पड़ा, कॉमन रेल पड़ा। ये क्या होता है, एक पाइप होता है, ठीक है, जिसके साथ क्या जुड़े हुए होते हैं, आपके इंजेक्टर्स जुड़े हुए होते हैं, भाई डीजल जिनके थ्रू इंजेक्ट कराया जाएगा सिलेंडर में, उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कॉमन पाइप है जिसको कॉमन रेल बोला जाता है, इसी से हमारे जितने भी इंजेक्टर्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब जिस भी इंजेक्टर को फ्यूल इंजेक्ट कराने की ज़रूरत होगी, वो इस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के माध्यम से कंट्रोल किया जाएगा और वो सिलेंडर के अंदर क्या कर देगा, फ्यूल को पहुंचा देगा, ठीक है। प्रीवियस टेक्नोलॉजी में क्या होता था, जैसे मान लो यहाँ पे दो सिलेंडर हैं, तो इस वाले सिलेंडर की जो पूरी पाइपलाइन होगी और ये जो पंप होगा वो खुद का होगा, इस वाले सिलेंडर का जो पाइपलाइन और पूरा पंप होगा वो अलग होगा, ठीक है। मतलब जितने सिलेंडर आप यूज़ करोगे उतने पंप उतनी पाइपलाइंस आपको लगानी पड़ेंगी, पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी हमारी। पर इसमें क्या हो रहा है, हमने सिर्फ एक पंप लगाया है, हाई प्रेशर पंप लगाया है, वो एक हाई प्रेशर मेंटेन करता है इस कॉमन पाइप में, ठीक है, इस कॉमन पाइप में वो हाई प्रेशर मेंटेन करता है और इस कॉमन पाइप से ही जितने चाहे उतने इंजेक्टर्स हमारे जुड़े हुए हैं, मतलब जितने सिलेंडर होंगे उतने इंजेक्टर्स इस पाइप से जुड़े होंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट होता है, यहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है, ठीक है। इस पाइप में कितना प्रेशर मेंटेन होगा वो सेंसर्स के माध्यम से इस यूनिट को पता चलता रहता है और ये उस पर कंट्रोल रखता है, प्रेशर बढ़ाना है घटाना है डिपेंडिंग अपॉन दी स्पीड ऑफ इंजन या कितनी पावर वो प्रोड्यूस कर रहा है, कितना फ्यूल हमारा सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट कराना है, वो सब इस सेंसर्स के माध्यम से इस यूनिट को पता चलता रहता है और वो एक प्रॉपर कंट्रोल रखता है हमारे पूरे के पूरे इंजेक्शन प्रोसेस पे भी, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कॉमन रेल का क्या मतलब है, ये कॉमन पाइप है जो उसको कॉमन रेल बोला जाता है। अब आपको क्या फ़ायदा है इससे कि भाई जब पहले दो सिलेंडर होते थे तो दो ही पाइपलाइन होती थी, दो ही पंप होते थे, एक बार मान लो इंजेक्शन हो गया तो प्रेशर जो पूरा का पूरा पाइपलाइन में बना था वो तो खत्म हो जाता था, फिर दोबारा से पूरा प्रेशर बिल्डअप करना पड़ता था आपको। पर यहाँ पे क्या है भाई, इस पाइप में पूरा जो कॉमन पाइप है उसमें तो प्रेशर पूरा का पूरा मेंटेन रहता है,
ठीक है, आपको बार बार प्रेशर बिल्डअप करने की ज़रूरत नहीं है। बस क्या है, जिस भी इंजेक्टर को ज़रूरत है वहाँ से इंजेक्शन कराया, पर यहाँ इस पाइप में तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हाई प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं हम। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जो है आजकल जितनी भी इंडियन मार्केट्स में डीजल गाड़ियां हैं उनमें यही टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है। इसी के बस क्या कर दिए गए हैं, वेरिएंट्स बना दिए गए हैं अब अलग अलग कंपनीज ने। ठीक है, चलिए ये देखिए ये क्या है, कुछ एक्चुअल पार्ट्स के पिक्स मैंने शो करे हैं यहाँ पे आपको। ये वो पंप है जो डायग्राम में यहाँ पे हाई प्रेशर पंप दिखाया गया था, वो कुछ एक्चुअल में इस तरीके से दिखता है। इंजेक्टर्स जो होते हैं वो इस तरीके से दिखते हैं आपके, कॉमन रेल जो है वो इस तरीके से दिखती हैं। अब कंपनीज क्या करती हैं, ये पार्ट जो हैं वो खुद नहीं बनाती, वो क्या करती हैं किसी दूसरी कंपनी से बनवा के अपने इंजन में इनको शामिल करती हैं। और इन पार्ट्स के अगर मैं मैन्युफैक्चरर्स की बात करूं तो जैसे कि आपका डेंसो है एक मैन्युफैक्चरर, बॉश, काफ़ी गाड़ियों में आपको बॉश के कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सीमेंस भी इन पार्ट्स में डील करती है। ये क्या करती हैं, ये कंपोनेंट्स बनाती हैं जो कि आपकी जो कार मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं वो इन पार्ट्स का, इन कंपनी के पार्ट्स का यूज़ अपने इंजन में करती हैं, कुछ इस तरीके से हम। और ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट आपको दिखा रखी है इस डायग्राम में मैंने। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये जो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन है, CRDI है, इसके फीचर्स क्या हैं, इस ये कैसे आपकी मदद करती है, पुरानी टेक्नोलॉजी से ये कैसे बेहतर है, उसके बारे में थोड़ा चीज़ें जानते हैं हम। तो देखिए कॉमन रेल, आपको पता है यार एक कॉमन पाइप है उसमें हाई प्रेशर आप मेंटेन करके रखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है कि आप बहुत हाई प्रेशर, लगभग 1600 बार तक का प्रेशर आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो प्रेशर बिल्डअप जो उस पाइप में हो रहा है, कॉमन पाइप में जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो अलग प्रोसेस है आपका, उसके लिए जो पंप लगा हुआ है वो एक अलग लगा हुआ है पूरा। और जो फ्यूल इंजेक्शन का जो कंट्रोल है वो पूरा इंडिपेंडेंट है, यानी कि प्रेशराइजेशन और जो फ्यूल इंजेक्शन हो रहा है वो दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है इस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है वो हाई प्रेशर को भी मेंटेन करती है। किसके बेसिस पे करेगी, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास इंजन स्पीड या लोड जितना इंजन पे आ रहा है उसके हिसाब से उस हाई प्रेशर को मेंटेन करेगी वो। ठीक है, उसके बाद दिस इंजेक्शन प्रोसेस इज अकम्प्लिश्ड बाय हाई स्पीड सोलेनॉइड वॉल्व टू ऑब्टेन द फ्यूल रिक्वायर्ड टू द सिलेंडर। अब देखिए ये जो इंजेक्टर्स लगे हुए होते हैं इसके लिए बेसिकली दो ही टेक्नोलॉजीज हैं जिन पे ये इंजेक्टर्स काम करते हैं। या तो ये क्या करेंगे, सोलेनॉइड वॉल्व टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, सोलेनॉइड वॉल्व में क्या होता है यार, आपको पता है, देखो सोलेनॉइड क्या होता है, एक तरीके से एक कॉइल है। ठीक है, एक कॉइल है जिसमें जब करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड ही इस इंजेक्टर को ओपन या क्लोज करने के काम आता है। ठीक है, दूसरी टेक्नोलॉजी क्या है जो कि आपका महंगी डीजल गाड़ियों में यूज़ होती है, जैसे कि मर्सिडीज वगैरह में, पीजो इलेक्ट्रिक वॉल्व टेक्नोलॉजी। पीजो इलेक्ट्रिक वॉल्व टेक्नोलॉजी में क्या होता है, देखो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन से होते हैं, एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें जब आप करंट पास करते हो तो वो अपनी शेप, अपने साइज को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं और उस तरीके से वो इस वॉल्व को ओपन या क्लोज करने के काम में आते हैं। ठीक है, बेसिकली ये दो वेरियंट्स ही हैं यहाँ पे जो कि इस इंजेक्टर टेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। द अमाउंट ऑफ फ्यूल टू बी डिलीवर्ड बाय द कंबशन चेंबर, डिलीवर्ड टू दी कंबशन चेंबर इज सेट बाय ECU। आपको ये चीज़ मैंने बता दी है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है वही कंट्रोल करती है कि कितना फ्यूल जो है किस सिलेंडर में कितना जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन दी जो भी इंफॉर्मेशन डेटा उसके पास आ रहा है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी है, CRDI टेक्नोलॉजी है, वो बेहतर है या फिर अलग है पुरानी जो टेक्नोलॉजीज उनमें यूज़ करी जाती थी। तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताई है कि यहाँ पे कॉमन रेल यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी हाई प्रेशर मेंटेन करवाता है। ठीक है, पहले के में क्या होता था, जितने आपके सिलेंडर होते थे उतने पंप यूज़ करने पड़ते थे आपको। यहाँ पे क्या है, पंप एक ही यूज़ हो रहा है, कॉमन रेल के थ्रू इंजेक्टर्स अलग अलग हैं आपके। ठीक, सबसे पहला डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस तो यही आता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, पुरानी टेक्नोलॉजी में एक बार फ्यूल का इंजेक्शन हो गया सिलेंडर में तो दोबारा उसको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था अपना प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। पर नई टेक्नोलॉजी जो CRDI है उसमें क्या होता है भाई, आपका जो प्रेशर है वो तो एक हाई प्रेशर ही मेंटेन रहता है कॉमन रेल में, बार बार उस प्रेशर को छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एडवांटेजेस की बात करें, CRDI के एडवांटेजेस की बात करें तो क्या है, यहाँ पे काफ़ी हाई प्रेशर आपको मिलता है जिससे एटोमाइजेशन काफ़ी बेहतर हो जाता है। देखो यार, आपको ये मैंने बताया था कि डीजल इंजन को, डीजल को सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट कराने के लिए आपको काफ़ी हाई प्रेशर पे इंजेक्ट कराना पड़ता है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही स्प्रे जो है, आप ये समझ लीजिए एक तरीके से स्प्रे की तरह से डीजल हमारा अंदर आता है सिलेंडर के, तो जितना ज़्यादा प्रेशर आपको मिलेगा उतना ही ये जो स्प्रे है उतना बढ़िया होगा आपका, और जितना ज़्यादा ये स्प्रे बढ़िया होगा उतना ही अच्छी एनर्जी आपका फ्यूल जलने के बाद आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये एक एडवांटेजेस होता है CRDI में कि आपको काफ़ी हाई प्रेशर मिल रहा है जिससे ये जो स्प्रे है वो बहुत ही बेहतरीन स्प्रे होता है। ठीक है, मल्टीपल इंजेक्शन फॉर ईच सिलेंडर इज़ पॉसिबल। आजकल जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि अगर मैं मर्सिडीज़ की बात करूं, उसमें क्या होता है कि सारा का सारा डीजल जो है वो एक ही बार में इंजेक्ट नहीं करा दिया जाता, वो डीजल जो इंजेक्ट कराया जाता है वो स्टेजेस में कराया जाता है। तो लगभग जैसे मर्सिडीज़ में 5 स्टेजेस में एक इंजेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कराया जाता है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें काफ़ी बेनिफिशियल है आपका। ठीक, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, अगर आपको मल्टीपल स्टेजेस में इंजेक्शन कराना है तो ये टेक्नोलॉजी उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, अब जब भाई यहाँ पे कंबशन अच्छे से होगा तो आपकी इंजन की जो पावर है, जो टॉर्क है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कई जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें कंपनीज क्लेम करती हैं कि लगभग 25% पावर जो है CRDI टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बढ़ जाती है। यहाँ पे वाइब्रेशंस और नॉइज़ के लेवल कम हो जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से आप देखो पंप्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कम यूज़ हो रहे हैं, एक ही पंप यूज़ हुआ है पूरे प्रोसेस में। फ्यूल कंजम्पशन आपका बेहतर हो जाता है। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा फ्यूल जो आप इंजेक्ट करा रहे हो वो अच्छी तरीके से बर्न कर रहा है, ज़्यादा पावर आपको मिल रही है तो आपका फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगा, एमिशंस भी आपके कम हो जाएंगे। ये सारे के सारे एडवांटेजेस थे CRDI टेक्नोलॉजी के। ठीक है, अब देखो कई गाड़ियां जो हैं इंडियन मार्केट्स में वो इस CRDI टेक्नोलॉजी को कुछ और टेक्नोलॉजीज़ के साथ मिला के मार्केट में लॉन्च करती हैं। ठीक है, मतलब जो गाड़ियां हैं कुछ एडिशनल टेक्नोलॉजीज़ मिला के इस गाड़ियों को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, उनमें से क्या है, एक सुपर चार्जर तो मैं नहीं कहूँगा कि सुपर चार्जर लगा हुआ होता है, टर्बो चार्जर्स आजकल काफ़ी डीजल व्हीकल्स में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने स्कॉर्पियो का सुना हो, स्कॉर्पियो देखी हो, तो कई स्कॉर्पियो के पीछे क्या लिखा रहता था, टर्बो लिखा रहता है। ठीक है, उसका क्या मतलब है, वो टर्बो का मतलब है टर्बो चार्जर। पर टर्बो चार्जर समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पे सुपर चार्जर को समझना पड़ेगा कि सुपर चार्जर क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाया हुआ है वैसे सुपर चार्जर एक्चुअल में किस तरीके का दिखता है। देखो यार, आपका जो सिलेंडर है, ठीक है, उसमें ये जो आपका सिलेंडर है इसमें पूरा का पूरा प्रॉपर कंबशन कराने के लिए एयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब अगर हम इस एयर की मात्रा को बढ़ा दें, ठीक है, किसी भी तरीके से जितनी एयर सिलेंडर के अंदर मौजूद है या जितनी सिलेंडर के अंदर एयर जा रही है उसकी मात्रा को बढ़ा दें,
तो क्या होगा, ऑक्सीजन काफ़ी अच्छी मात्रा में अवेलेबल होगी आपका कम्बशन कराने के लिए, तो कम्बशन और बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा डिवाइस है सुपर चार्जर जो कि एयर को कंप्रेस कर देता है, उसके प्रेशर और डेंसिटी को बढ़ा देता है जो कि इस सिलेंडर के अंदर आ रही है। ठीक है, सिंपल यही है कि यार ये क्या है, एक तरीके से ज़्यादा एयर को सप्लाई करता है सिलेंडर के अंदर, जिससे के कारण क्या होता है, ऑब्वियसली बात है ये क्या है, एक एयर कंप्रेसर है। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे ज़्यादा इतनी ही वॉल्यूम में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर आपको पहुँचानी है तो ऑब्वियसली बात है एयर को कंप्रेस करके ही पहुँचाया जा सकता है। तो सुपर चार्जर क्या है, एक एयर कंप्रेसर है जो कि एयर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सिलेंडर के अंदर पहुँचाने के काम आता है। ठीक है, अब देखो भाई ये एक कंप्रेसर है और आपको पता है कंप्रेसर को चलाने के लिए आपको पावर चाहिए। अब सुपर चार्जर में तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से, ये जो एनिमेशन दिखाया है मैंने आपको, बहुत अच्छे तरीके से एक सुपर चार्जर की वर्किंग आपको समझ में आएगी। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल एयर जो है वो आप एटमॉस्फेयर से ले रहे हो, यहाँ पे ये आपका सुपर चार्जर का अरेंजमेंट है, वो इस एयर को क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है और उनको सिलेंडर के अंदर भेज देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा सिलेंडर में क्या हो सके, जा सके। ठीक है, और कंबशन अच्छे से आपका कैरी आउट हो सके। अब यहाँ पे देख सकते हो इस सुपर चार्जर को चलाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो सुपर चार्जर में तो क्या होता था, ये जो क्रैंक शाफ्ट आपकी रोटेट कर रही है, इंजन की पावर से क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है, क्रैंक शाफ्ट से ही हमने एक पुली अरेंजमेंट लगा दिया है जो कि क्या करता है, इस कंप्रेसर को चलाने के काम आता है। ठीक है, पर इसमें दिक्कत क्या है कि भाई अगर आप क्रैंक शाफ्ट की पावर की बात करें तो थोड़ी पावर आपने इस कंप्रेसर को चलाने में लगा दी, जिससे कि टोटल आउटपुट जो होगा आपको वो कम मिलेगा। ठीक है, टोटल आउटपुट आपको क्या मिला, यहाँ पे कम मिला, जो कि आपका एक तरीके से क्या है, लॉस है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने नई टेक्नोलॉजी बनाई जिसका नाम था टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर की वर्किंग की अगर मैं बात करूँ, है तो ये बिल्कुल ही सुपर चार्जर की तरह कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर सिलेंडर के अंदर पहुँचाने का काम ये करता है, पर ये पावर जो है वो क्रैंक शाफ्ट से नहीं लेता। ये पावर कहाँ से लेता है, देखो जो हमारी इंजन से एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं वो, इसमें क्या होता है, एक टर्बाइन लगा हुआ होता है। ठीक है, तो इंजन के एग्जॉस्ट से जो गैसेस निकली वो क्या करेगी, इस टर्बाइन को घुमाने के काम करती हैं। ठीक है, और यहाँ से एग्जिट हो जाता है, पर ये जो एग्जॉस्ट गैसेस इस टर्बाइन को घुमा रहे हैं वहाँ से एक पावर जनरेट होती है जो कि इस कंप्रेसर को चलाने के काम में आती है। ठीक है, तो इसको, इस टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है, टर्बो चार्जर बोला जाता है। टर्बो चार्जर क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे एक टर्बाइन यूज हो रहा है जो कि पावर जनरेट करता है इस कंप्रेसर को चलाने के लिए। अब आपको कोई भी इंजन से पावर लेने की जरूरत नहीं है, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही थी वो तो वैसे भी आपका वेस्टेज था, तो उसी की पावर को यूज करके हम अपने कंप्रेसर को चला रहे हैं, इसको बोलते हैं टर्बो चार्जर। तो अब होता क्या है, एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि टर्बो चार्जर भाई एक कंप्रेसर है, वो एयर को कंप्रेस करेगा तो जो एयर का टेम्परेचर है वो तो बढ़ जाएगा, एयर जो है उसका तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। अब वो बढ़े तापमान की जो एयर है, हाई टेम्परेचर पे जो एयर है, अगर वो सिलेंडर के अंदर जा रही है तो वो तो क्या करेगी भाई, अगर मान लो कोई डीजल का पार्टिकल वहाँ से पहले ही वहाँ पे क्या है, मौजूद है, तो उसको बर्न करा देगी, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा, इंजन में फ्यूल आने से पहले ही बर्निंग वहाँ पे हो जा रही है, जो कि एक लॉस है आपका। ये चीज़ हम नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं जब डीजल आए हमारे सिलेंडर के अंदर तभी बर्निंग हो। ठीक, ये चीज़ हम नहीं चाहते कि वहाँ पे प्री इग्निशन वगैरह जैसी चीज़ें हों। तो उसके लिए क्या किया जाता है, ये जो कंप्रेसर से एयर आती है, जो टर्बो चार्जर से एयर आती है जो कि इंजन के अंदर जानी है,
उसको एक इंटरकूलर में, यहाँ पे ये एक इंटरकूलर लगा रखा है, उसमें थोड़ा सा क्या कराया जाता है, कूल कराया जाता है, ठीक है, थोड़ा उसको ठंडा कराया जाता है ताकि जब वो इंजन में जाए तो कोई प्री इग्निशन या डेटोनेशन वगैरह ना करा पाए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पे कि देखो यार, टेक्नोलॉजीज जो हैं वो यही तीन हैं। तीन टेक्नोलॉजी मैंने आपको कौन सी बताई हैं, तीन भी नहीं बल्कि दो ही टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे कि एक तो क्या हो गई आपकी CRDI टेक्नोलॉजी हो गई, जो कॉमन रेल है आपका। उसके बाद क्या हो गई, एक टर्बोचार्जर की टेक्नोलॉजी हो गई, और तीसरी टेक्नोलॉजी आप क्या कह सकते हो एक तरीके से, टर्बोचार्जर विथ इंटरकूलर। अब देखो यार, कंपनीज जो हैं वो इन्हीं तीन टेक्नोलॉजी के वेरिएंट से अपने इंजन का नाम बना देती हैं। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी यही यूज होगी, बस किसी में कुछ यूज हो रहा है, किसी में कुछ यूज हो रहा है, किसी में आपका कॉमन रेल ही है, सारे कॉमन रेल तो लगभग सब में यूज हो रहा है डीजल इंजन में। ठीक है, पर किसी में क्या कर देते हैं, आपका टर्बोचार्जर होता है, किसी में टर्बोचार्जर विथ इंटरकूलर यूज कर देते हैं। ठीक है, उसी के बेसिस पे वो अपने अलग अलग नाम पेटेंट करके क्या कर देते हैं, लॉन्च कर देते हैं। अब जैसे हुंडई में बात करूं तो हुंडई की गाड़ियों में पीछे क्या लिखा होता है, ये CRDI लिखा होता है। तो ये क्या है भाई, ये इंजन का एक नाम है। ठीक है, जिसमें क्या यूज हो रहा है, आपका कॉमन रेल यूज हो रहा है, टर्बोचार्जर यूज हो रहा है, जैसे कि i20 Hyundai i20 में है, किया के मॉडल्स में है। ठीक है, तो भाई Hyundai ने ये टेक्नोलॉजी किस नाम से यूज निकाल दी, CRDI के नाम से निकाल दी। वैसे ही अगर मर्सिडीज या मर्सिडीज बेंज की बात करूं तो बिल्कुल यही टेक्नोलॉजी है जो हमने अभी डिस्कस करी है, पर इस मर्सिडीज कंपनी ने उसका नाम क्या रख दिया, CDI, और अपनी गाड़ियों के पीछे क्या कर देते हैं, वो ये लिख देते हैं CDI। ठीक है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, इसमें R हटा दिया है उन्होंने, क्योंकि क्या होता है यार, एक ही नाम का पेटेंट हर कंपनी नहीं ले पाती, तो वो अपना नाम चेंज कर देती है थोड़ा। अब अगर मैं CDI टेक्नोलॉजी की जो मर्सिडीज यूज करती है उसमें क्या होता है, वो एक सिंगल इंजेक्शन प्रोसेस में 5 स्टेजेस प्रोवाइड करती है, और जो इंजेक्टर्स होते हैं वो पीजो इलेक्ट्रिक इंजेक्टर्स यूज करते हैं, वो टर्बोचार्जर यूज करते हैं विद इलेक्ट्रिकली गाइडेड ब्लेड्स। ठीक है, थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है पर बेसिक्स यही है आपका जो मैंने बताया। वैसे ही अगर मैं बात करूं महिंद्रा की, ठीक है, तो महिंद्रा में इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या रख दिया, CRDE। थार में, स्कॉर्पियो में लिखा रहता है, अगर आपने देखा हो, CRDE लिखा रहता है। ठीक है, तो वो क्या बता रहा है, वो इस इंजन के बारे में बता रहा है, वहां पे कॉमन रेल यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इंटरकूलर और टर्बोचार्जर उसमें यूज कर रहे हैं वो। तो टेक्नोलॉजी एक ही है, बस कंपनीज ने अपने हिसाब से उनके नाम रख दिए हैं और वही वो मेंशन करते हैं। अगर आपने देखा हो, स्विफ्ट डिजायर में साइड में DDIS लिखा रहता है, तो DDIS टेक्नोलॉजी क्या है, ये मारुति का कॉमन रेल टेक्नोलॉजी है, कॉमन रेल इंजन है। ठीक है, जिसको बोलते हैं डीजल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो मारुति सुजुकी का यही वेरिएंट जो है वो DDIS टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है आपका भाई, कॉमन रेल यूज करता है वो, उसमें टर्बो चार्जर्स यूज होते हैं, इंटरकूलर्स यूज होते हैं, तो उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को यूज करके DDIS इंजन बना दिया, और वही आपका मेंशन करता है वो गाड़ियों पे। वॉक्सवैगन का जो पेटेंट है TDI इंजन, कई बच्चे जो हैं वो ये समझते हैं कि TDI और CRDI अलग अलग इंजन है, नहीं, TDI भी एक कॉमन रेल इंजन है। ठीक है, कॉमन रेल इंजन है। इसमें क्या यूज होता है आपका, इंटरकूलर टर्बोचार्जर यूज होता है। तो वॉक्सवैगन का जो ये वेरिएंट है वो TDI है, वो अपनी गाड़ियों पे भी मेंशन करता है। कुछ और कंपनीज जो हैं उनके वेरिएंट जो हैं इसी टेक्नोलॉजी के, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि गाड़ियों के पीछे जो या गाड़ियों पे जो लोगो या बैजेस लगे हुए होते हैं उनका क्या मतलब होता है। अगर आपको कोई और लोगो का मतलब जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।